दोस्तों, मैं अभी अभी शायदान देख के आया, जिसने विकास बहल को डायरेक्ट किया है और इसके कास्ट में है आर माधवन, ज्योति कौर, अजय देवगन। तो कैसा रहा शैतान, जो कि एक फिल्म था जो 2 हफ्ते पहले या फिर 3 हफ्ते पहले किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था कि ये किसके चीज़ के ऊपर ये फिल्म है, क्या है ये फिल्म। तो मैं आपको पहले बोल दूँ, ये फिल्म गुजराती फिल्म वश का ऑफिशियल हिंदी रीमेक है और ये फिल्म का हाइप तब से ही बनना चालू हुआ जब से इसका फर्स्ट लुक या फिर बोल सकते हैं आप इसका ट्रेलर सामने आया था, क्योंकि इसका ट्रेलर इतना अच्छी तरीके से एडिट किया गया था, इतना अच्छी तरीके से यहाँ पर कट किया गया था और इतना अच्छा बनाया गया था ट्रेलर को। तो क्या फिल्म अच्छा रहा या फिर क्या फिल्म बुरा रहा? तो ओरिजिनल वर्स जो है मैंने वो देख चुका हूँ, तो मुझे वो फिल्म बहुत अच्छा लगा था। तो मेरा एक्सपेक्टेशन इससे भी बहुत ही हाई था और जैसे यहाँ पे स्केल को बढ़ाया गया था, क्लाइमैक्स में भी चेंज किया गया था, मैं सोच रहा था कि क्या ये ओरिजिनल वर्स जो है उसका टोन को ख़राब कर देगा या फिर उसको मैच करेगा। लेकिन मैं आपको बोलना चाहूँगा, शैतान मुझे उतना ही अच्छा लगा जितना कि अच्छा मुझे वश लगा था। हाँ, यहाँ पे क्लाइमैक्स पूरा चेंज किया गया है, वश का क्लाइमैक्स अलग था, यहाँ पे क्लाइमैक्स अलग है, यहाँ पे टोन भी काफ़ी अलग है। लेकिन शैतान का जो ट्रीटमेंट है ये आपको देख के नहीं लगेगा कि आप विकास बहल की कोई फिल्म देख रहे हो। विकास बहल जैसे हम जानते हैं पहले बहुत ही बुरी फिल्म या फिर बहुत ही अच्छी फिल्म बना चुके हैं, रिसेंटली गणपत जैसा एक डिजास्टर या फिर बोल सकते हैं एकदम खराब फिल्म दिया है। तो उससे मेरा एक्सपेक्टेशन थोड़ा मतलब लड़खड़ा था कि क्या ये फिल्म अच्छा होगा या बुरा। लेकिन सच कहूँ तो इस फिल्म का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट इसका फास्ट हाफ, फास्ट हाफ कमाल का है। इतना इंट्रीगुइंग, इतना मतलब आपको बांध के रखता है पूरा फास्ट हाफ। जब सेकेंड हाफ शुरू होता है, सेकेंड हाफ थोड़ा बहुत रिपीटेटिव आपको लगने लगता है, आपको लगता है ये सब मैंने फर्स्ट हाफ में भी देख चुका हूँ, ये सब और कितने देर तक होगा, ऐसा आपका थोड़ा बहुत लगते रहता है। लेकिन फिर जब क्लाइमैक्स में और जब जाते हैं तब फिल्म और पिकअप लेता है और लास्ट का जो एकदम एंडिंग है जहाँ पे एकदम प्रॉपर एंडिंग होता है, वो तो एकदम ऐसे सीन था पूरा क्लैबवर्दी सीन या फिर आप बोल सकते हैं पूरा गूज़बम्प्स सीन था। सबसे पॉजिटिव पॉइंट जो मैंने बोला क्लाइमैक्स था या फिर फर्स्ट हाफ था, और दूसरा पॉजिटिव पॉइंट एक्टिंग परफॉर्मेंस। सब बोल रहे आर माधवन, सब बोल रहे आर माधवन ने मतलब कमाल का परफॉर्मेंस दिया है। मैं भी बोल रहा हूँ आर माधवन कमाल का है, कमाल का परफॉर्मेंस दिया है। लेकिन मुझे आर माधवन से भी ज़्यादा जिसका परफॉर्मेंस अच्छा लगा वो है जानकी बॉडी वाला, और उससे भी ज़्यादा जिसका परफॉर्मेंस अच्छा लगा वो है अजय देवगन। अब बोलूँगा अजय देवगन ने क्या किया, उसका तो कोई काम नहीं था। आप अच्छे से देखोगे ये फिल्म का पूरा ध्यान से लेके एकदम फास्ट टू एंड फॉलो करना, फिर देखना मैंने ये क्यों बोला, उसके बाद आपसे डिस्कस करूँगा। ओवरऑल मुझे लगता है ये फिल्म बहुत ही अच्छी तरीके से क्राफ्ट किया गया है। हाँ, जो मैंने बोला सेकेंड हाफ थोड़ा वीक हो जाता है, सेकेंड हाफ थोड़ा गिर जाता है, लेकिन क्लाइमैक्स में जाके फिर मूवी एक पिकअप ले लेता है। सिनेमाटोग्राफी कमाल का है, सबसे अच्छा मुझे लगा बीजीएम, बैकग्राउंड म्यूजिक अमित त्रिवेदी का कमाल का है। जैसा टोन शिफ्ट किया गया है उस हिसाब से बैकग्राउंड म्यूजिक कमाल का है। एक ईरी वाला एक बैकग्राउंड म्यूजिक आता है कमाल का है, और जैसे एक एक बैकग्राउंड म्यूजिक में एक एक जैसे बीट बजता है वो कमाल का है। खास करके कुछ कुछ इंटेंस सीन्स है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है, जहाँ पे आपको टेंशन फील होगा, जो कि एक सुपरनेचुरल थ्रिलर या फिर बोल सकते हैं एक सस्पेंस थ्रिलर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी वही चीज़ किया गया है, वो सीन्स को बहुत ही इंटेंसिटी के साथ दिखाया गया है, जैसे आपको लगेगा कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होने वाला है, क्या करने वाला है, तो वो चीज़ आपको एक पकड़ के रखता है। और अगर आपको लगता भी है कि मैडी जो है अजय देवगन के ऊपर भारी पड़ रहा है, लेकिन मैं आपको बोलना चाहूँगा क्लाइमैक्स में ये पूरा अजय देवगन शो है। कुछ कुछ जगह मुझे यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट लगा, जैसे मैडी का जो कैरेक्टर था वो कुछ कुछ जगह बहुत ही थोड़ा ही ज़्यादा रिलैक्स दिखा रहा था, थोड़ा ही ज़्यादा कॉमेडी कर रहा है। हाँ, एक दो जगह अच्छा लगता है, लेकिन जहाँ पे कुछ टोन सीरियस चलता है वहाँ पे थोड़ा कॉमेडी करना, ये करना, वो करना, वो मुझे लगता है थोड़ा। ज्योतिका का परफॉर्मेंस उतना कुछ उसका खास करने लायक नहीं था, लेकिन फिर भी जिंदा भी था उसने ठीक ठाक काम किया। और जानकी बॉडी वाला का मैंने बोला ही था, उसने वश में भी उसने यही रोल प्ले किया था, यहाँ पे भी उसने वही रोल प्ले किया है। तो वश में भी उसने कमल का काम किया था, यहाँ पे भी उसका काम बहुत ही कमल का है, आउटस्टैंडिंग काम है। जी हाँ, बहुत ही कमल का काम उन्होंने किया है। जैसे मतलब उसका फेस का एक्सप्रेशन चेंज होता है, सबसे टफ काम उसका था कि कैसे ऑडियंस को कन्विंस करे, क्योंकि ये जो है पूरा फर्स्ट हाफ या फिर सेकेंड हाफ मतलब प्री क्लाइमैक्स तक ये पूरा एक वन रूम ड्रामा चलता है, एक ही घर में पूरा सब चीज़ होता है। वहाँ पे आपको एंगेज करके रखना पूरा, एक लड़की जो मतलब पूरा वश में है, 2 सेकंड बाद उसका एक्सप्रेशन चेंज होता है, वो मतलब जो करने के लिए बोलता है वो करता है, तो वो सब करना बहुत ही ज़्यादा टफ था और एक डेब्यूटेंट के लिए। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से इसको पुल ऑफ किया है एकदम मतलब खतरनाक। ओवरऑल में यही बोलना चाहूँगा, शैतान एक काफ़ी अच्छा खासा रीमेक है वश का, जो कि जो ओरिजिनल फिल्म है उसको जस्टिफाई भी करता है। और यहाँ पे जो चेंजेस किया गया है, खासकर हम ऐसा देखते हैं कि ओरिजिनल फिल्म का जब कोई चेंजेस करके हमारे सामने प्रेजेंट किया जाता है तो क्या होता है, ओरिजिनल फिल्म का फ्लेवर भी खराब हो जाता है और फिल्म भी बुरी तरीके से पिट जाती है। लेकिन यहाँ पे जो किया है, चेंजेस तो किया गया है, लेकिन चेंजेस को अच्छी तरीके से यहाँ पे दिखाया भी गया है, एग्जीक्यूट भी किया गया है, प्रेजेंट भी किया गया है, जो कि कमाल का। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, लास्ट में आप अजय देवगन का रूप देखना, एक अलग ही अवतार में आपको अजय देवगन देखने को मिलेगा। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अजय देवगन की फैमिली के साथ कोई पंगा नहीं लेना,
हम देखेंगे त्रिशम में वो क्या करते हैं, यहाँ पे भी आप देखेंगे वो क्या करते हैं। तो वो सब चीज़ अजय देवगन एकदम मतलब कमाल का निभाया है। ओवरऑल बहुत ही अच्छा फिल्म है, जाइए इस फिल्म को देख के आइए, बहुत ही अच्छा फिल्म है।